Hey guys, I'm Shraddha और आज मैं बनाने वाली हूँ सौंफ शरबत। तो सौंफ का शरबत जो है बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है एंड स्पेशली गर्मियों में तो बेस्ट है। तो इसके लिए आज मैं बनाऊंगी सौंफ शरबत के लिए पाउडर, जिससे आप इंस्टेंटली फटाफट से सौंफ का शरबत बना सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें मिक्सर ग्राइंडर में सौंफ लेना है और ये कोई भिगोया हुआ नहीं है, बस ये साफ सुथरा सौंफ है। तो ये हम लेंगे और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, ज़्यादा नहीं, बस करीबन 7 से 8 आप डाल दें अगर आपको कम पसंद हो अदरवाइज़। और थोड़ी सी हम डालेंगे छोटी इलायची का पाउडर, थोड़ी सी नहीं एक्चुअली 1 टेबल स्पून डालेंगे। एंड चीनी हम डाल रहे हैं, खड़ी चीनी, तो ये भी सौंफ के बराबर ही है। तो अब इन सब को मिला करके हम ग्राइंड कर लेंगे और एकदम बढ़िया फाइन सा पाउडर बना लेंगे। तो चलिए फिर इसे ग्राइंड कर लेते हैं, लिड लगाते हैं और ये ग्राइंड देखिए अभी ग्राइंड कर लिया हमने और ये एकदम बढ़िया सा पाउडर मिल गया है। तो अब इसको करना क्या है, इसको हम एक बर्तन लेंगे और इसमें छन्नी की हेल्प से अच्छे से छान लेंगे, ताकि अगर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हों जो भी ग्राइंड नहीं हुए हों या जो भी हो वो निकल आए और हमें एकदम बढ़िया सा फाइन पाउडर मिल जाए। तो इसे स्पून से हिला के फिर हम छान लेते हैं। तो गर्मियों का मौसम है और सौंफ जो है डाइजेशन में भी हेल्प करता है, तो आप बाहर से आए हों फटाफट से रिफ्रेशिंग सा सौंफ का शरबत बनाएं, या खाने के बाद मन कर रहा हो कुछ मीठा तो भी आप सौंफ का शरबत सर्व कर सकते हैं, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो ये देखिए थोड़े से सौंफ थे जो नहीं पीसे थे, तो इसे हम अगेन ग्राइंड करके पाउडर ले लेंगे। तो अभी हमारा पाउडर एकदम बढ़िया रेडी है शरबत का। तो अब इसे बनाना कैसे है, इसे हम स्टोर कर लेंगे पहली बात। ये महीनों तक आपका स्टोर होके रख सकता है, चाहे आप रूम टेम्परेचर पर रखें चाहे फ्रिज में रखें। तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच, एक ग्लास लेंगे और एक ग्लास बनाने के लिए इसमें हम 2 चम्मच के बराबर पाउडर डालेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे बर्फ का टुकड़ा और इसके बाद डालेंगे इसमें चिल्ड वाटर, ठंडा पानी, और इसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे और हमारा सौंफ का शरबत जो है फटाफट से रेडी है। तो एक बार पाउडर बनाने के बाद आप सौंफ का शरबत जब मन करे तब फटाफट से बना सकते हैं, बिना किसी ज़्यादा टाइम के, बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, और हेल्दी रिफ्रेशिंग बढ़िया सा सौंफ का शरबत आपका रेडी हो जाएगा। तो देखा से बनाना कितना आसान है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।